हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी हो गया है शाम का 6:45 और हम जा रहे हैं इवनिंग वॉक करने, टहलने के लिए। तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं। देखिए हम लोग आ गए हैं आधा रास्ता। उधर है हम लोग का स्कूल। चलिए दिखाते हैं आप सबको। काफी ज्यादा जंगल नजर आ रहा है इधर। इधर सारा सरकारी जंगल है। और देखिए जो उधर से रोड आ रहा है, जो रोड जा रहा है उधर, उसे उधर आलेंगुड़ है। और जो हम लोग जा रहे हैं ये वाला रूट पे, ये मेरा स्कूल लेके जाएगा आप लोग को। तो चलते हैं। सानू को छोड़ दिए घर पर अपनी मौसी के पास और हम सभी दी के साथ आए हैं घूमने के लिए। एक कान में हम पहने ही नहीं है, कहीं पहने है, प्लीज इग्नोर कीजिएगा। पता नहीं चला हमको कहाँ पर गिर गया है। शायद सोए थे होंगे तो वहीं पर गिर गया होगा बेड पे। हम लोग जब छोटे थे यहीं से स्कूल आना जाना करते थे डेली। ये मेरा घर से 0 किलोमीटर दूर पे है। इस जगह को पाकर बाहर बोलते हैं। दिखाते हैं आप सबको। देखिए फाइनली हम पहुंच चुके हैं मेरा स्कूल, जो पहले हम जहां पर पढ़ाई करते थे। देखिए वो रहा। दिखाते हैं आप सबको अच्छे से, पूरा डिटेल से। ये वाला जो आप लोग को दिख रहा है ना, यहाँ पर से हम लोग, यहाँ से 2 क्लास से चालू था, यहाँ से पढ़ाई करते थे। वो जो दिख रहा है वो फिलहाल नया बन गया है, पहले वो दूसरा था, अब अभी तो काफी अच्छा बन गया है। यहाँ पर है झंडा फहरा जाता है ये। अब देखिए उधर जो छोटा सा दिख रहा है वहाँ पर, उसमें हम लोग को 5 से 6 क्लास वाले लोगों को सिलाई सिखाया जाता था। इसमें जो है यहाँ पर हम लोग के लिए खाना बनता था, जो सरकारी स्कूल में मिलता है मिड डे मील, वो हम लोग को मिलता है यहाँ पर, यहीं पर ही बनता था। तो पहले से अभी काफी अच्छा हो चुका है। पहले तो बहुत ही ज्यादा, अभी देखने में देखिए इस तरह से दिख रहा है। पहले बहुत ही, मतलब उधर का तो वैसा ही है, बस इधर का टूटा फूटा था थोड़ा, बहुत ही दिन हो गया ना। तो अभी काफी अच्छा इधर बन चुका है। अगर पहले बाउंड्री वाउंड्री भी नहीं था, अभी तो बाउंड्री भी हो गया है। अरे जो महुआ का पेड़ दिख रहा है, इसका नीचे हम लोग प्रार्थना करते थे। और ये रहा स्कूल का फील्ड। देखिए अभी तो घेरा हो चुका है, पहले हम लोग के समय ऐसा नहीं था। देखिए वहाँ पर बच्चों लोग खेल रहे हैं फुटबॉल, बहुत बड़ा मैदान है ये। और उधर जो स्कूल दिख रहा है वो भी स्कूल ही है, +2 है उधर। हम लोग के समय में इस तरह से नहीं था, अभी बहुत डेवलप कर गया है। हम +2 वही स्कूल से किए हैं, जो आप लोग वहां पर दिख रहा है, +2 भी हम वहीं से किए हैं। वो बंद है, नहीं तो वहां भी घुस के दिखाते हैं। बाहर से वहां पर गेट बंद है। देखिए यहां पर इस तरह से जो ये जो दिख रहा है यहां पर पक्का, ये वाला था, इसमें हम लोग बैठ के खाना खाने आ जाते थे या यहाँ पर दौड़ने लगते थे, बोलते थे ट्रेन है। लेकिन अब थोड़ा दिन बाद ये पूरा घेरा लग जाएगा अंदर में। यहाँ पर यहाँ वहाँ से आके लोग फुटबॉल वगैरह खेलेंगे अच्छे से, तो सब तरफ बाउंड्री हो जाएगा। देख रहे हैं गांव में किस तरह से छोटे छोटे बच्चे लोग फुटबॉल खेलते हैं, लड़की लड़का सारा है एकदम छोटे छोटे। देखिए तब देख लीजिए बूंदा बूंदी होने लगा है बारिश। अब जाएंगे हम लोग घर, थोड़ा सा बैठ ले रहे हैं, बचपन की याद ताजा हो जाता है इसीलिए। सभी दी बात कर रही है, वो बात कर लेती है, उसके बाद हम लोग चलेंगे। देखिए वो चल चल के किस तरह से ट्रेन में बात कर रही है। इधर आने से बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति। अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। हो गया क्योंकि बारिश होने लगा, नहीं तो कुछ देर और रह जाते हैं। अभी तो बारिश होने लगा है तो अब हम लोग जा रहे हैं, नहीं तो फिर बारिश ज्यादा जोर से आने लगेगा तो पूरा भीग जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आधा किलोमीटर
है मेरा घर की दूरी, तो हम लोग चलते हैं। तो देखिए रास्ते में एक और चीज मिल गया, ये आप लोग को दिख रहा है, एक अभी बॉयज हॉस्टल हुआ करता था, अभी तो एकदम इसका ना दरवाजा खिड़की कुछ भी नहीं, अब एकदम भूत बंगला बन चुका है ये। तो एक अभी यहाँ पर बॉयज हॉस्टल था ये, और ये रहा कुसुम का पेड़, और यहाँ से हम लोग छत से चढ़ के तोड़ते थे, और भूत बोल के जब अपना हो जाता था और तोड़ा हुआ तो भूत बोल के यहाँ से भाग पड़ते थे। तो इस तरह से हम लोग जा रहे हैं घर, अब हो गया, घर जाके मिलते हैं। एकदम जल्दी जल्दी हम लोग आ रहे हैं क्योंकि चाचा जी फोन किए थे, जल्दी से अब ब्लॉगिंग उतना ही करो, जल्दी आओ, बारिश हो रहा है बोल रहे हैं, तो हम लोग फटाफट आ रहे हैं। देखिए बस्ती भी पहुंच गए, और हम लोग का बस्ती, ये जो छोटा सा पुल दिख रहा है उसको रामा काटा पुल कहते हैं, ये एक आदमी जिसका नाम था रामा उसको यहाँ पर काटा था शायद, इसीलिए इसको रामा काटा पुल बोलते हैं। सानू मेरा देखिए बेसब्री से यहाँ इंतजार कर रही है अपने नाना के साथ। तो देखिए हम सानू को छोड़ के चल गए थे तो रोने लगी है, और हम पहुंच गए हैं घर, तो बन रहा है हम लोग का शाम का नाश्ते में पास्ता, मेरी बहन बना रही है, देखते हैं खा के कैसा लगता है। तो बन चुका है पास्ता हम लोग का, देखिए अब जा रहे हैं खाने, दिख तो रहा है बहुत यमी, खाते हैं कैसा लग रहा है देखते हैं खा के। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।